पढ़ लेंगे उस धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। इसको सर्कुलेट निकाल, ये सर्कुलेट हो रहा है अभी आपको, आप इसमें ये लिखा हुआ है धारा 9 गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अन्य आवश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। तो 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए। अच्छा। उससे भी कड़ा समय इसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। 24 घंटे से भी कड़ा नियम है इसमें। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे सीआरपीसी में लिखा है कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, लेकिन आपके उसमें लिखा है कि किसी भी अपराध का संज्ञान, इसमें ये मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान अगर वो ऑफेंस क्रिएट करता है दंड कोर्ट्स के साथ एक कॉग्निजेंस ऑफ। सो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, पर फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी हुई धारा 14 क्या, उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उससे दंड से बात करती है, उसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती है। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन होगी। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बनाया गया, इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबॉर्डिनेशन या सेडिशन म्यूटनी से संबंधित हैं, ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित हैं। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे आईपीसी वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरा उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रोटेक्शन क्या है इसमें, प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है, वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। इसमें ये है प्रावधान, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है। आप सुरक्षा के लिए करते हैं, माननीयों की सुरक्षा के लिए करते हैं, कभी हाउस गार्ड लगाते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं, तो क्या इस एक्ट के तहत जो माननीयों की सुरक्षा में तैनात है उन्हें भी कोई विशेष अधिकार मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी एसीए साहब ने कहा, सिर्फ जहां पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा कोई प्रतिष्ठान हो या जो भी प्रकार की गतिविधि हो, सिर्फ सरकार द्वारा जहां अधिसूचित किया जाएगा उसके लिए अलग अधिसूचना होगी, तब ये विशेष प्रोटेक्शन जो भी बात ना है भाई, बोले हम